आजादी के लिए लड़ रहा था, तब से मेरा एक ही सपना था कि मैं इस आजाद देश का प्रधानमंत्री बनूं। मैं जानता हूं कि आपको तरक्की चाहिए और मुझे हिंदुस्तान। मैं ये बात मानता हूं कि आज पूरी दुनिया को शांति की तलाश है, और ये बात आप भी जानते हैं कि शांति ना तो आपके घर में है ना ही मेरे, क्योंकि शांति को कोई तीसरा ही घर मिल गया है काम करने के लिए। मैं कई वेस्टर्न कंट्रीज में गया और वहां देखा कि वो कैसे टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, और हमने अभी शिकंजी जी बेचना शुरू किया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है दोस्तों, आज हम शिकंजी बेच रहे हैं तो कल हम कोको कोला भी बेचेंगे, क्योंकि क्योंकि साथ भी कभी बहुत थी। कोई अपने तलवार की नोक या एटम बम के डर से हमारे देश को झुकाना चाहे तो हमारा देश झुकने वाला नहीं है। एक सरकार होने के नाते हमारा क्या फर्ज बनता है सिवाय इसके कि हम हथियार का जवाब हथियार से नहीं बल्कि आलुओं से देंगे, और उनके देश में इतने आलू बरसाएंगे कि उनका देश आलू खा खाकर आलू की तरह सुस्त हो जाए, और यही हमारा करारा जवाब होगा। तो मिस्टर गांधी, कितनी इंटेंस सिचुएशन थी फ्रंटियर में जब आपकी और पाकिस्तान की आर्मी एक दूसरे के सामने खड़ी थी? इंटेंस तो इतनी थी कि अब मैं आपको क्या बताऊं। बस इतना समझ लीजिए कि वो मजा जो मैं पूरे देश को देना चाहता था वो किरकिरा हो गया। मिस्टर गांधी, आप किस तरह के मजे के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, मजा वो होता है मेरे हिसाब से जो किसी एक के पास ना हो बल्कि सबके पास जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब है पूरा देश मिलकर एक साथ ये गाना गाए कि ले 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 मजा ले, ले 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 मजा ले। मतलब आइए, मैं आपको करके दिखा, आइए बड़ा आइए, वो मजा मतलब सब लोग मिलकर गाए ले 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 ले। अब फॉलो करिए मुझे, ले 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 मजा ले, ले 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 मजा ले, ले 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 मजा ले। अरे यार आइए बैठिए, आपसे नहीं हो। थैंक यू सर। ओके मिस्टर गांधी, मैं आपसे 1975 के इमरजेंसी के बारे में जानना चाहूंगा, जो 1975 में आपने खुद से डिक्लेयर करके खुद को एक बहुत बड़ी पावर में खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर आपने राष्ट्रपति जी को एक लेटर भी लिखा था जिसमें इमरजेंसी को कंटिन्यू करने की डिमांड को रखते हुए ये लिखा गया था कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो इस तरफ इशारा करती है कि भारत की सुरक्षा के ऊपर कोई खतरा मंडरा रहा है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस तरह के खतरे के बारे में बात कर रहे थे? देखिए, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, देखिए पहली बात तो ये कि वो लेटर मैंने नहीं लिखा था, मुझे लिखना कहाँ आता है। आई ऑलवेज लव टू कॉपी, और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी दुनिया का एक ऐसा संगठन है जिसमें नियम कानून नहीं चलते हैं। हम हर रोज नए नियम बनाते हैं और रोज उनको तोड़ देते हैं। तो जब ऐसी पार्टी सत्ता में होगी और इस पार्टी का कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर होगा तो देश को किसी और खतरे के बारे में सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि हम उसके लिए खुद ही एक खतरा है। और आगे कुछ देखिए, जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है, कहां लिखा भाई? हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो कांग्रेस कर सकती है वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती। ये हमारे समाज को जोड़कर रख सकती है, और ये बहुत ही मजेदार संगठन, इतना मजेदार कि कभी कभी तो मुझे खुद भी लगता है कि भैया ये चलता कैसे है। वैसे एक बात और जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, और हो सकता है कि आप लोगों को उस पर विश्वास भी ना हो और ये समझ में भी ना आए, लेकिन ये 100% सच है, और वो ये है कि दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, आई हैव नो वर्ड,
और मैं 2014 तक कुछ नहीं कहूंगा, और उसके बाद गुजरात का ये जो आदमी है वो सत्ता में आएगा और इस देश का प्रधानमंत्री भी बनेगा, तब मैं बताऊंगा कि गुजरात को जो ये दूध दिया गया है वो इधर ये देखिए इन औरतों ने दिया है, ना कि किसी बच्चू भाई ने। और इन औरतों को इनका दूध सप्लाई करने के लिए अगर किसी ने साथ दिया है तो वो अमूल है। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है बदलाव, और वो पूरा होगा मोदी को हरा के, जो हमसे ना हो पाए।